how do you spend quality time with Faisal? What is your idea of spending quality time with him? Communication. मैं नहीं समझती कि judge करने वाला कोई मेरे लिए matter करता है, क्योंकि वो judge करने वाले लोग और वो negative comment करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ खास नहीं होता करने के लिए. जो मेरे फादर की अभी मैरिज है उसमें मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी और मैं बहुत खुश थी. जब आपके बारे में बुराई होना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब आपने कोई बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है. तो मैं इस बात पे बिल्कुल अटल हूँ. आपके फादर, ही इज़ अ नेशनल सुपरस्टार, एक और आप उनकी बड़ी बेटी हैं, ठीक है, दैट इज़ अ लॉट टू ओन, बट आई एम अ लकी पर्सन. यू आर अ लकी पर्सन. एंड वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनीश कुरैशी. आई कॉल माई सेल्फ द रियल्टर. एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है, वो एक ऑब्वियसली ब्लड में है और सामने बचपन से बड़े होते देखा है, तो थोड़े बहुत टेस्ट ट्रायल भी किए, लेकिन हमेशा से बड़ा आदमी बनने का शौक था. तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई उसमें सेंस में नहीं बोल रही, लेकिन अपने अब्बू का ख्याल करने के लिए और जितनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने मुझे लिटरली, मैं बहुत स्पॉइल्ड ब्रैट और एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है ना, मैंने उस तरह उनको बड़ा तंग किया है, घर वालों को बहुत तंग किया है, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. लेकिन उन्होंने फिर मुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए थोड़ा सा पुश बैक किया कि यू नो नाउ यू नीड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, बिकॉज दिस टर्म ऑफ नेपो बेबी, आई एम स्केर्ड ऑफ इट. एंड आई एम श्योर कि मेरे अब्बा ने पूरी ज़िंदगी खुद मेहनत करके जो वो आज हैं वो खुद अपने बलबूते पे बने, ना कि किसी के हेल्प से या किसी की सिफारिश. बिल्कुल, बेशक बेशक. और उन्होंने मेरे लिए भी कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं समझी, और उन्होंने मुझे बोला भी कि बनना है तो मैं गोल्डन स्पून नहीं मिलेगा, सही है, अपने बलबूते पे बनो. फिर मैंने काफ़ी हर्डल्स भी गुजरे, जिसमें जब मैं, क्या कहते हैं, आप ढूंढ रहे होते हो रास्ता कि क्या करना है, यू नो क्या बनना है. सारे टेस्ट ट्रायल्स मैंने बहुत सारे काम किए हैं, और जब मैं यहाँ आई समंदर के पास, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार ये करना है मैंने, यू नो देयर वाज अ सीरीज दैट आई वॉच व्हिच वाज सेलिंग सनसेट्स, आई एम श्योर यू हैव मस्ट हैव सीन इट. आई सॉ दैट. इट्स अ बीच फ्रंट प्रॉपर्टी शो एंड मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन आर रनिंग इट. आप कब से काम कर रही हैं? It's been 2 years now. 2 years, wow, that's yeah. I changed certain companies, but currently I'm working with the top real estate company of Imar and HMR, that is Real Investments Bank. I'm working as their director marketing, and I'm the realtor. I'm there the you specialist go. What nepo baby? What nepo baby? Yeah, Faisal must be so proud of you. I'm sure, but he's a humble man. And I want to make him proud dad because उन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरे पे. So your dad is proud of you because you are a totally self-made person, I would say, because you know you've made it all for yourself. मैंने उनको बहुत तंग किया है. आप मुझे बोले हैं, मुझे कुछ ऐसी ऑफर्स ड्रामों की, फिल्मों की, जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम बड़ी ऑफर्स आती थी, तो माई फादर वॉज लाइक ओवर माई डेड बॉडी हनी. Why? Because education is very important. जबकि वो मेरे बहुत बड़े बेनिफिट के लिए, उन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मुझे एक आप एक बना बनाया स्टार किड हो जाती हैं, आपको पता है, यू स्टिल आर, बट उस वक्त से यू नो यू कुड हैव बीन लाइक अ स्टार किड. आई लव बीइंग दैट स्टार चाइल्ड. देयर आर प्रोज बट देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स. या दैट सो इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज आई वुड अगेन से कि आपका जो बाप है माशाल्लाह, ही इज अ नेशनल सुपरस्टार, ठीक है, तो व्हाट इज लाइक यार, कैसा होता है कि यार मतलब माय डैड इज अ हीरो ऑफ द सॉर्ट्स, किस तरह से माय हीरो, आई टेक हिम एज माय होम हीरो. अब्बा जो है ना, आपको पता है जब आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो तो आपके लिए वो शायद इतनी बड़ी डील ना हो. तो मेरी दादी और अब्बा दोनों जो हैं, उनके ड्रामे और सारी चीज़ें चल रही होती थी, तो शो पे कुछ भी देख रहे होते थे, तो मैं बोलती थी, मैं कहती थी यार सही है, बस सही है, कहते थे पूरी दुनिया जो है वो अप्रिशिएट करती है, और हम जब छोटे होते हैं हमें उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती. यस, देर आर अ लॉट ऑफ प्रोज कि आपको जब काम करना है तो आपको हर चीज़ का एक्सेस है. दैट इज़ अ प्रो ऑफ बीइंग अ स्टार चाइल्ड, दैट इज़ अ प्रो ऑफ बीइंग अ, यू नो, अ नेपो बेबी, दैट्स व्हाट दे वांट टू से. But the cons are that you are scrutinized at every moment of your life. आप पे इतना pressure होता है, but you pressure उतना ही होता है as much as you are gonna take. तो मैंने वो pressure लेना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या सोचती है, there's a lot of hatred, there's a lot of judgment, I don't care. So how do you deal with the judgment?
How do you deal with it? You don't care. I don't care. Yaar, like, I don't care वाला formula जरा हमें भी बताएं. Like, when you say you don't care, तो किस तरह से? Because यार मुझे I understand के एक हद तक आप बर्दाश्त करते हो तो जो negative feedback आता है, जो negative आपके पास comments आ रहे होते हैं, you know. Because you know, I think Faisal, you know, being the daughter, people want to see you in a certain way, you know. I can't be. And अगर आप नहीं होते हो, या that's your personal choice, right? चाहे वो तनकीद हो लाइफस्टाइल पे, किसी भी चीज़ पे तनकीद हो, तो हाउ डू यू डील विद दैट इनफ्लक्स ऑफ नेगेटिव नेगेटिविटी से कैसे डील करती हैं? कोई ना कोई तो होगा ना. से डील करने का एक तरीका मेरे पास ये है कि आप अपने गोल्स पे फोकस रहो, अपने ऊपर आपके जो क्रिएटर है, इट्स बिटवीन यू एंड हिम. मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है. अब मुझे कोई 100 लोग जज करें या 10,000 करें या लाखों जज करें, आई डोंट केयर. As long as I know that I'm मेरी कॉन्शियंस, मेरी बिलीव अगर मुझे बोल रही है कि मैंने कुछ गलत किया, मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ. मैं ऊपर वाले से माफ़ी मांगती हूँ. मैं उस इंसान से जिसके साथ गलत किया अगर मैंने शायद हो, तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ. मैं नहीं समझती कि जज करने वाला कोई मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि वो जज करने वाले लोग और वो नेगेटिव कॉमेंट करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ खास नहीं होता करने के लिए. तो वो अपनी तनकीद और अपनी नेगेटिविटी लेके आपकी तरफ आते हैं. तो मेरे गार्ड्स बहुत अप है. मुझे फ़र्क अभी भी पता नहीं, कुछ हेट्रेड और पता नहीं क्या क्या मेरे फादर के बारे में चल रहा है. और मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं उनको हमेशा सपोर्ट करूँगी, क्योंकि आपकी फैमिली होती है जो आपकी सपोर्ट होती है. और मैंने ख़ुद देखा, पहले मैंने पोस्ट किया और मुझे बोला गया, जी आपने ये क्यों सपोर्ट किया है, आप कौन होती हैं सपोर्ट करने वाली, कि आपको पता नहीं है? सबसे पहले तो मैं एक बेटी हूँ. नहीं, उन्होंने बोला नहीं है कुछ, उनके शो पे कुछ ऐसी बात हुई थी. उन्होंने नहीं बोला. बहुत ट्विस्ट किया गया था, बहुत नेगेटिव ट्विस्ट करके एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया टू टार्निश हिज इमेज एंड रेपुटेशन. बट मैं बोलूं कि अल्लाह का हाथ जिस पर हो, ऊपर वाले का, उसको कोई नहीं रोक सकता. और जो तरक्की याफ्ता इंसान हो, जिसकी तरक्की लोग देख रहे हैं, उससे जलने वाले तो बहुत होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड फैसल, आई थिंक ही हैज जितने उनके सपोर्टर्स हैं, ही हैज गॉट अ आर्मी ऑफ पीपल. और थोड़ा सा ना उनकी वजह से मैं ट्रेन भी हो गई हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपको पता है रियल स्टेट इज अ बिग बिजनेस. ठीक है, मैं बेचारी यहाँ आ गई. शुरू में मैंने बेचारा फील किया था, बट आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम. माई बॉस इज अमेजिंग. बड़ा रिस्पेक्ट और बड़ी प्रोटेक्शन है मेरे साथ. ऊपर बेसिकली आप ऊपर वाले से आप प्रोटेक्शन मांगते हो, तो आपको इर्द गिर्द वसीले मिल जाते हैं. जो आपने प्रोफेशन चूज किया बीइंग अ रियल्टर, ठीक है, ये लार्जली एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है, ठीक है ना. यू डोंट सी मेनी, वी डोंट सी मेनी. दिस वर्ल्ड इज अ मेल डोमिनेंट वर्ल्ड. ओह यस, आई एम टायर्ड ऑफ दिस ऑलरेडी, बट इट इज हाउ इट इज. बट देयर योर प्रोटेक्टर्स, देयर योर प्रोटेक्टर्स इज वेल, सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम. सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम. यू आर लकी इफ यू फाइंड समबडी टू प्रोटेक्ट यू. या तो आई मीन ये मेक मेल डोमिनेटेड फील्ड है, इसमें एज अ वुमन आपने किस तरह क्या स्ट्रगल्स देखी हैं, या किस टाइप के प्रेशर से डील किया है? वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट. अच्छा, स्ट्रगल्स बड़े रहे हैं. कोई भी सक्सेस बगैर स्ट्रगल के नहीं होती. देर इज़ नो सक्सेस स्टोरी अनटिल अनलेस देर इज़ नो हर्डल्स. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैंने सीखा है उन हर्डल्स से, ना कि मैं उसको नेगेटिवली लूँ, क्योंकि वो टाइम वो था मेरे लर्निंग प्रोसेस का, जिसमें बीइंग अ स्टार चाइल्ड, कास्टिंग काउच वाले मैटर्स वो सोचते भी नहीं हैं कि यू नो कि वो अपने बाप को भी बता सकती है. ऑब्वियसली माय फादर वुड नो एवरीथिंग, आई टेल हिम एवरीथिंग.